नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। बिपाशा बसु ने हाल ही में बताया कि उनकी बेटी देवी के जन्म के समय उनके दिल में दो छेद थे। बिपाशा ने नेहा धूपिया के साथ लाइव चैट के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी के जन्म के 3 महीने बाद ही बेटी की ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की बेटी का जन्म 12 नवंबर 2022 को हुआ। बिपाशा और करण सिंह ग्रोवर ने बेटी का नाम अनाउंस करने के लिए एक खास पोस्ट शेयर की थी। बिपाशा ने बताया कि उनकी बेटी जब पैदा हुई तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि उसे वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था। देवी के जन्म के समय उसके दिल में दो जगह छेद थे। बिपाशा ने अपनी माँ बनने की जर्नी के बारे में कहा, हमारे माँ बाप बनने का सफ़र किसी नॉर्मल पेरेंट्स से बहुत अलग है। आज मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है वो काफ़ी मुश्किलों के बाद आई है। मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी और माँ को ऐसी चीज़ से गुजरना पड़े। आप ये सोचकर देखिए कि आप अभी अभी माँ बनी हैं और आपको पता चल रहा हो कि आपके बच्चे की सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आपको कैसा महसूस होगा। बिपाशा ने आगे कहा, मुझे देवी के जन्म के 3 दिन बाद पता चला कि उसके दिल में छेद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बात किसी से शेयर करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसी कई और माएँ होंगी जो ऐसा ही फील करती होंगी। इस दौरान कई लोगों ने मेरी मदद की और मैं चाहती हूं कि मैं भी किसी की मदद कर सकूं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।